Assalamualaikum students, as we were discussing about the definitions of cellular respiration, gaseous exchange and breathing, now today we will discuss about gaseous exchange in plants. Open your books, page number 2, gaseous exchange in plants. Plants have no organ or system for exchange of gases with the environment. Every cells of the plant body exchange gases with the environment by its own. के plants के अंदर gases exchange करने के लिए, gases exchange क्या था कि air का अंदर लेकर जाना ताकि oxygen हासिल हो, air का बाहर निकालना ताकि carbon dioxide उसमें से निकल सके. तो plants के अंदर gases exchange करने के लिए environment के साथ कहते हैं कोई mechanism, कोई system, organ नहीं होता. उसमें उसका हर सेल्स जो होता है वो एक्सचेंज कर रहा होता है गैसेस एक्सचेंज कर रहा होता है अपनी इन्वायरमेंट के साथ. अब यह है द लीव्स एंड यंग स्टेम हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मस. द गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू द स्टोमेटा. द इनर सेल्स ऑफ द लीव्स मेसोफिल्स एंड स्टेम हैव एयर स्पेसिस अमंग देम विच हेल्प द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अब ये कह रहे हैं कि गैसेस एक्सचेंज जो है हो रहा है लीव्स के अंदर और यंग स्टेम के अंदर. अब यंग स्टेम के अंदर और लीव्स के अंदर क्या होती हैं, स्टोमेटा होती हैं. अब ये स्टोमेटा जो होती हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये स्टोमेटा ये अपर एपिडर्मस है और ये जो है ये लोअर एपिडर्मस है. ठीक है, लोअर एपिडर्मस में स्मॉल माइन्यूट ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा कहते हैं. और स्टोमेटा अगर हम देखें, आपने 9th क्लास में स्ट्रक्चर पढ़ी थी कि उसके गार्ड सेल्स होते हैं. ठीक है, और गार्ड सेल्स के अलावा उसके दरमियान जो स्राव होता है उसको हम स्टोमा कहते हैं, और अगर ज़्यादा होंगे तो स्टोमेटा कहेंगे. ठीक है, अब ये है कि ये स्टोमेटा जो होती है एपिडर्मस में प्रेजेंट होती हैं लीव्स के अंदर और यंग स्टेम. ठीक है, मेच्योर स्टेम की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े दरख्तों की बात नहीं कर रहा, यंग स्टेम की बात कर रहा है कि उनके अंदर जो होती हैं वो स्टोमेटा होती हैं. स्टोमेटा के जरिए एयर जो होती है वो उसके अंदर जाती है, लीव्स के अंदर जाती है और बाहर निकलती है. अब यह है कि अपर एपिडर्मस और लोअर एपिडर्मस के दरमियान मेसोफिल सेल्स होती हैं, इनर सेल्स. इनर सेल्स कहते हैं मेसोफिल सेल्स. ये ऊपर जो होती हैं ये जो है फिंगर लाइक होती हैं, इनको हम कहते हैं पैलिसेड. ठीक है, और जो नीचे होती हैं उसको स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स कहते हैं. ठीक है, ये जस्ट लाइक के सैंडविच की तरह अपर एपिडर्मस लोअर एपिडर्मस के जो के दरमियान में सेल्स प्रेजेंट होती हैं, मेसोफिल सेल्स होती हैं. अब ये कि जो ये वाले सेल्स होते हैं जो स्पॉन्जिस मेसोफिल सेल्स होते हैं इनके दरमियान में एयर स्पेसिस होती है, खाली जगह होती है, और ये एयर स्पेसिस जो है खाली जगह जो है ये क्या करती है, गैसेस एक्सचेंज को हेल्प करने में मदद देती है. ये एयर अंदर दाखिल होती है, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज वगैरह टेक प्लेस हो रहा होता है, और ये थ्रू द स्टोमेटा के जरिए होता है. ठीक है, तो यंग लीव्स स्टेम्स के अंदर क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज कैसे होंगे, स्टोमेटा के अंदर होंगे. और गैसेस एक्सचेंज जो है जो इनर सेल्स होती हैं लीव्स के जो होती हैं और स्टोमेटा और स्टेम्स के जो होती हैं उनके दरमियान स्पेस होती है, और वो स्पेस जो होती है गैस क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में हेल्प कर रही होती है. यहाँ पर आपकी हाइडिंग आ जाएगी स्टूडेंट्स, गैसेस एक्सचेंज इन लीव्स एंड यंग स्टेम. गैसेस एक्सचेंज इन लीव्स एंड यंग स्टेम. आप कहते हैं लीव सेल्स हैव टू सिचुएशन, दो तरह की सिचुएशन होती है. डूरिंग डे टाइम वेन द मेसोफिल सेल्स रिस्पायर, वेन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स आर कैरिंग आउट फोटोसेंथिसिस रेस्पिरेशन साइड बाय साइड. द ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन फोटोसेंथिसिस इज यूटिलाइज इन सेलुलर रेस्पिरेशन. सिमिलर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज इन फोटोसेंथिसिस. However, during night, when there is no photosynthesis occurring, the leaf cells get oxygen from the environment and release carbon dioxide through stomata. अब कह रहे हैं कि leaf cells के अंदर दो तरह की situation का सामना करना पड़ता है कि day time में, ठीक है, डे टाइम में उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी हो रहा होगा और रेस्पिरेशन का भी प्रोसेस टेक प्लेस हो रहा था. जब फोटोसिंथेसिस होगी तो फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एंड क्लोरोफिल की मदद से ग्लूकोस बनेगी और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होगी ऐसे बाय प्रोडक्ट के तौर पर. ठीक है, और रेस्पिरेशन भी ज़्यादा डे टाइम ही हो रही होती है. रेस्पिरेशन में क्या होता है, आप कहती है कि ग्लूकोस मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होती है जिसकी वजह से उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होता है.
अब ये है कि फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोड्यूस हुआ, ऑक्सीजन। अब ये वाली ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन यूज हो जाती है रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है, रेस्पिरेशन के दौरान हो जाती है। और रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस्तेमाल हो जाती है फोटोसिंथेसिस में, इस्तेमाल हो जाती है। इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज में फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन डे टाइम में साइड बाय साइड हो रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो यूटिलाइज, इस्तेमाल हो जाती है रेस्पिरेशन के दौरान, और रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो यूटिलाइज हो जाती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। और इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज बहुत कम जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जो होती है वो एक्सचेंज हो रही होती है। नाइट जब रात होती है तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रेस्पिरेशन होती है। फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं होती, क्योंकि लाइट नहीं होती। तो रेस्पिरेशन जब होती है तो रेस्पिरेशन में क्या होती है कि ऑक्सीजन उसको रिक्वायर्ड होती है। वो ऑक्सीजन जो होती हैं लीव्स जो होती हैं वो बाहर से इन्वायरमेंट से लेती हैं, और ऐसे रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकाल देते हैं थ्रू द स्टोमेटा के जरिए। तो इस तरीके से डे टाइम में दो सिचुएशन हो रही होती हैं, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है, और रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। नाइट टाइम में सिर्फ रेस्पिरेशन टेक प्लेस होती है, और इसमें उसको ऑक्सीजन चाहिए, वो अपनी इन्वायरमेंट से लीव्स ले लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ऐसे बाय प्रोडक्ट के तौर पे होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो थ्रू द स्टोमेटा के जरिए एनवायरमेंट में क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाइडिंग लीफ सेल टू सिचुएशन में ड्यूरिंग डे टाइम में इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब ये है कि वुडी स्टेम एंड मैच्योर रूट्स, ठीक है, बड़े बड़े जो स्टेम्स होती हैं, बड़े बड़े दरख्त जो होते हैं, मैच्योर रूट्स होते हैं, द इंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय बार्क विच इज इम्प्रीवियस टू गैसेस ऑफ वाटर। हाउएवर देयर आर सर्टन पोर्स इन द लेयर ऑफ बार्क, दीज आर कॉल्ड लेंटिसल्स, द लेंटिसल अलो एयर टू पास थ्रू दैम। कहते हैं जो वुडी स्टेम्स होती हैं, मैच्योर रूट्स होती हैं, उनकी पूरी जो होती है, पूरी जो सरफेस जो होती है उसके ऊपर बार्क जो होती है, कवर्ड बाय बार्क, बार्क कहती है छाल को होती हैं। अब इस छाल में से ना तो वाटर गुजर सकता है, ना ही गैसेस वगैरह गुजर सकती हैं। तो अब ये है कि इनके अंदर छोटी छोटी, इस बार्क के अंदर छोटे छोटे सुराख होती हैं, इन सुराखों को हम कहते हैं लेंटिसल्स कहते हैं, और ये लेंटिसल्स जो है एयर को पास करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो लेंटिसल्स क्या हुआ, आपने बताना है मैच्योर रूट और स्टेम, वुडी स्टेम के अंदर जो है स्मॉल माइन्यूट ओपनिंग होती है, किसके अंदर, बार के अंदर, और ये जो है ये हेल्प करती है गैसेस एक्सचेंज करने में, हेल्प कर रही होती है। गैसेस डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ द जनरल सरफेस ऑफ द यंग रूट जो यंग रूट्स होते हैं पौधे, वो पौधे जो होते हैं जो अभी बड़े नहीं होते, मैच्योर नहीं होते, तो उसमें कैसी हो रही होती है, थ्रू द जनरल सरफेस, ठीक है। द गैसेस आर फाउंड इन द सॉइल सराउंडिंग द रूट्स, गैसेस आर फाउंड, अब जो है वो सॉइल के अंदर गैसेस जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और इस तरीके से जो, और वो जो है वो जो उसके रूट्स को क्या कर रही होती है, सराउंड कर रही होती हैं, और इस तरीके से वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रूट्स के अंदर दाखिल होती है। एक्वेटिक प्लांट गेट ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं पानी के अंदर रहने वाले पौधे होते हैं, इनको जो है वो कैसे करते हैं, ऑक्सीजन को पानी से लेती हैं, और पानी को जो है, पानी के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपकी हाइडिंग गैसेस एक्सचेंज इन द वुडी स्टेम एंड मैच्योर लीव्स आ जाएगा, फिर इसके बाद आ जाएगा गैसेस एक्सचेंज इन द यंग रूट्स आ जाएगा, यहाँ पे आपकी हाइडिंग आ जाएगी गैसेस एक्सचेंज इन द एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है। तो इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज जो है वो प्लांट्स के अंदर टेक प्लेस हो रहा होता है, ठीक है। तो अब आपका जो शॉर्ट क्वेश्चंस में पॉसिबल पहुंच जाएंगे, स्टोमेटा की डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है, और स्टोमेटा के बाद जो है वो लेंटिसल्स की डेफिनेशंस वगैरह आ जाएगी कि लेंटिसल्स क्या होते हैं, स्टोमेटा क्या होती हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरीके से करना है, ठीक है, इसको लर्न करना है, और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस बन रही होती हैं वो आप करने करना है। अल्लाह हाफिज़।